हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिमांड फोरकास्टिंग। गाइस, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो तो उसमें आपका फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा, उसमें जो टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। और इसके अलावा हम एक जो है आपका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ, उसके जो थ्रेटिकल क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, उनको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज से पहले हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन के कुछ टॉपिक करेंगे और साथ ही हम टैक्स के भी कुछ टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग। देखो गाइज, जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डिमांड एंड फोरकास्टिंग। ये कंटेंट हम बाद में पढ़ते हैं, पहले डिमांड और फोरकास्टिंग का मीनिंग पढ़ते हैं। देखो डिमांड का क्या मतलब होता है, डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या लोग कितनी डिमांड करें, मतलब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग कितना उसको बाय करना प्रेफर करते हैं, वो होती है डिमांड। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शंस लगाना। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या हो गई कि हमने अपनी डिमांड, एक कंपनी ने अपनी डिमांड को फोरकास्ट करना है कि जैसे 2022 चल रहा है अभी, तो 2023 में मेरी कितनी डिमांड होगी, तो उसे कहते हैं डिमांड की फोरकास्टिंग करना। डिमांड की फोरकास्टिंग अगर हमारी एक्यूरेट हो जाती है तो उससे हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो सही चलने लग जाती हैं। देखो एक सिचुएशन है कि मुझे अपनी डिमांड पता नहीं है और उस सिचुएशन में मुझे प्रॉब्लम रहेगी कि मैं कितना रॉ मटेरियल मंगवाऊँ, कितनी मार्केटिंग करूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आती रहेगी। बट अगर सपोज करो वही डिमांड मुझे पहले ही पता है कि मेरी इतनी डिमांड होगी, तो उस अकॉर्डिंग मैं रॉ मटेरियल भी मंगा सकती हूँ और सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को भी मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डिमांड फोरकास्टिंग में मैंने यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है वो हम पढ़ते हैं कि इट इज़ अ प्रेडिक्शन, किसी चीज़ की प्रेडिक्शन लगाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम एस्टिमेशन मॉनेटरी टर्म में लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि जी थोड़ी सी डिमांड होगी फ्यूचर में। थोड़ी सी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि हमने मनी की फॉर्म में बताना है या फिर यूनिट की फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में बताना है। जैसे मैं कहूँ मेरी 1000 यूनिट के करीब डिमांड होगी तो ये सही है, अगर मैं कहूँ थोड़ी सी डिमांड होगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसे हमने मनी की फॉर्म में बतानी, या फिर हम 1,00,000 रुपीज़ तक की डिमांड होगी रुपीज़ में बता सकते हैं, तो वो क्या है मॉनेटरी फॉर्म में होगी और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगी। और पास्ट डेटा को लेके ही हम फ्यूचर का एस्टिमेशन करेंगे और कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। तो ये डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अभी यह जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये करेंगे कैसे, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब पता चल गया लेकिन की कैसे जाती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं डिमांड फोरकास्टिंग के। हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड एंड सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव मेथड। पहले हम करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड। जो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उसमें क्वालिटेटिव मेथड्स हैं और सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो मेथड है हमारे, जिसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं यूज़ करते, इसमें हम ओपिनियंस लेते हैं लोगों के, तो उसे हम क्या कह देते हैं क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में कुछ डेटा या बाकी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। देखो क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव में ये सारी चीज़ें आती हैं, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड, डेल्फी मेथड, सेल फोर्स मेथड एंड कस्टमर इंटेंशन मेथड। वन बाय वन करते हैं, एक बार मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव में हमारे को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो टाइम सीरीज के बेसिस पे हम एस्टिमेशन लगाते हैं। टाइम सीरीज में तीन चीजें आती हैं, मूविंग एवरेज, डिकम्पोजिशन, एक्सपोटेंशियल स्मूथनिंग। नेक्स्ट है कॉजल मेथड। कॉजल मेथड में हमारा कोरिलेशन, इकोनोमेट्रिक्स एंड इनपुट आउटपुट मेथड होता है। ठीक है, तो ये दो हैं क्वांटिटेटिव, इनके अंदर फर्दर मेथड क्लासिफाई किए हुए हैं, ऐसे ही क्वालिटेटिव है। पहले हम क्वालिटेटिव डिस्कस करेंगे फिर हम इनको करेंगे, राइट। तो क्वालिटेटिव जो हमारा मेथड है उसमें हमने करना है कि जो हमारा क्वालिटेटिव मेथड होता है उसमें फोर मेथड्स हमने करने हैं। तो फर्स्ट करते हैं हम, फर्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड। जो हमारा एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड होता है इसमें क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि यहाँ पे हम एक मीटिंग कंडक्ट कराते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एक्सपर्ट हैं सारे उस मीटिंग में आएंगे और अपने अपने व्यूज़ बताएंगे कि फ्यूचर में हमारी ये इतनी डिमांड हो सकती है, इसके बेसिस पे हम उनसे डाटा कलेक्ट कर लेंगे और हमारी डिमांड को फोरकास्ट कर लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, सिंपल है, इजी है, इकोनॉमिकल है, और इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, सब अपने अपने तरीके से बताएंगे तो सब्जेक्टिविटी रहेगी, बायसनेस होने के चांसेस रहते हैं और ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, मीटिंग में सभी अपने अपने व्यूज बताएंगे कि कितनी डिमांड फ्यूचर में हो सकती है। ये होता है एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड। ये जो पर्सन होते हैं ये एक्सपर्ट्स होते हैं।
नेक्स्ट इज डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक्सपर्ट को की कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं कराते, ना ही फेस टू फेस उनका कोई लिंक होता है, उन्हें हम क्वेश्चनियर्स दे देते हैं। आपने अपने एक्सपर्ट को कुछ क्वेश्चंस भेज देते हैं हम क्वेश्चनियर बना के, और वो क्वेश्चनियर फिल करके कंपनी को वापस प्रोवाइड कर देते हैं। तो उन क्वेश्चनियर के बेसिस पे हम जज कर लेते हैं कि किस एक्सपर्ट ने क्या बोला और कितनी डिमांड हमारी फ्यूचर में होने वाली है। तो ये होता है डेल्फी मेथड। इसके ये फायदे हैं, इकोनॉमिकल है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। इसके कौन से हैं, कौन से मतलब नुकसान क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चनियर कई सही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते। एक होता है आप फेस टू फेस किसके साथ बात कर रहे हो, एक होता है आप किसी को क्वेश्चंस दे रहे हो, वो क्या पता भरेगा, फिल करेगा, खुद करेगा या नहीं करेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट इज सेल्स फोर्स एस्टिमेशन मेथड। इसमें क्या है कि जो सेल्स पर्सन है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर के साथ, हम सेल पर्सन से ही डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपके घर पे जो सेल पर्सन आया तो उसे उसका आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, उसे पता चला होगा कि आप कितने प्रोडक्ट फ्यूचर में ले लोगे। तो सेल पर्सन से हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया सेल फोर्स एस्टिमेशन मेथड। नेक्स्ट इज कस्टमर इंटेंशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर से ही पूछ लेते हैं। जैसे हमारे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनसे हम फीडबैक लेते हैं, उसके साथ ही हमने पूछ लिया कि क्या फ्यूचर में बाय करना प्रेफर करोगे। तो उन इस तरह से हम कस्टमर से ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रेफर करोगे बाय करना या नहीं करोगे। ठीक है, इसी इसका मेथड में बट ये है कि ये एक तरह से सर्वे हो जाता है। ठीक है, बट ये लार्ज जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया लेवल पे डील कर रही है या फिर पूरे बाहर फॉरेन में डील कर रही है, तो उस सिचुएशन में ये कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सिर्फ छोटे लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास चार मेथड थे, एग्जीक्यूटिव मेथड जिसमें मीटिंग कंडक्ट की जाती है, डेल्फी जिसमें क्वेश्चनियर सेंड किए जाते हैं, सेलफोर जिसमें सेल पर्सन से पूछा जाता है, और कस्टमर मीन्स जिसमें कस्टमर से ही पूछा जाता है। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स। देखो क्वालिटेटिव में हमारे चार मेथड्स थे और चारों हमने कर लिए। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में फर्स्ट है टाइम सीरीज मेथड, नेक्स्ट इज कॉजल मेथड। टाइम सीरीज के तीन मेथड्स हैं और कॉजल के भी तीन हैं। तो पहले हम टाइम सीरीज को पढ़ेंगे। टाइम सीरीज क्या है कि हम इसमें तीन मेथड के साथ डेटा मतलब डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। फर्स्ट है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जैसे हमारे पास हमने 2004 की डिमांड पता करनी है, ठीक है, तो हम पिछले तीन सालों की एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। जैसे 2004 की डिमांड हमने एस्टिमेट करनी है कि फ्यूचर में मतलब कितनी होगी। अभी हमारे पास कोई डिमांड लिखी हुई है पहले की, तो अगर मैंने 2004 की डिमांड को एस्टिमेट करना है तो मैं पिछले तीन सालों की डिमांड की एवरेज निकाल लूँगी। तो मेरे पास जितनी इनको डाटा आया तो मैंने उस 2004 के आगे लिख दिया। ऐसे ही मैं 2005 की अगर मैं डाटा उसको डिमांड को फोरकास्ट करना चाहती हूँ तो मैंने 2002, 2003, 2004 मतलब फर्स्ट ईयर को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ले लेना है। ऐसे ही अगर मैं 2006 का डाटा कलेक्ट 2006 जो है उसकी डिमांड को फोरकास्ट करना चाहती हूँ तो मैंने फिर आगे इन्फॉर्मेशन 2003, 2004, 2005 का मतलब पिछले तीन सालों का ले लेना है। ऐसे 2007 के लिए 4, 5, 6 का डिमांड को टोटल किया और उसको तीन से डिवाइड करके हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो मूविंग एवरेज निकाल लिया। अब हम एक्चुअल डिमांड में से ये माइनस करेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होता है मूविंग एवरेज मेथड। बहुत इजी है। जैसे आपने 2004 का करना है तो उसके लिए पिछले तीन सालों का डिमांड ले लो और उसको थ्री से डिवाइड कर दो। ये सिंपल है, एक्यूरेट है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ कर सकती हैं। और इसके कुछ नुकसान भी है क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं, सभी आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और लॉन्ग टाइम के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन मेथड। इसमें हम जैसे कुछ ट्रेंड्स दिए होते हैं सारा कुछ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ट्रेंड कंपोनेंट, हम कह रहे हैं कि हमारी एक मान लो 2020 की हमारी डिमांड है 1000 यूनिट, हम फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हम ना कुछ एस्टिमेशंस पहले लगा लेते हैं कि मान लो अगर 5% कम भी होगी ट्रेंड की वजह से तो इंक्रीज होगी तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अगर 10% डिक्रीज हो गई तो इतनी रह जाएगी। मतलब नियर बाय हमारी डिमांड कितनी रहेगी, 900 से लेके 1050 तक ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ट्रेंड कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट या रैंडम कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट लगा के 5%, 10% इंक्रीज डिक्रीज करके भी हम अपनी डिमांड को चेक कर लेते हैं। तो ये होता है डीकम्पोजिशन मेथड। नेक्स्ट इज एक्सपोटेंशियल स्मूथनिंग मेथड। ये आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ ये सिर्फ ये लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। इसमें आप कैसे कैलकुलेट करते हो, फोरकास्टिंग कैसे करते हो, इज इक्वल्स टू एक्चुअल डिमांड। जैसे 2022 की मेरी एक्चुअल डिमांड कितनी है, ठीक है, वो प्लस 1 माइनस आपको एक अल्फा वैल्यू गिवन होती है, वो अल्फा वैल्यू यहाँ पे लिखोगे फोरकास्टेड डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। जैसे 2022 की मैंने पहले डिमांड फोरकास्टिंग की होगी तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे फोरकास्टेड वाली, और एक्चुअल में कितनी हुई वो यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा एक वैल्यू गिवन होती है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं।
इसकी मैं इसको आपको शो करती हूँ, ये रहा हमारे पास, ये देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है। जैसे सपोज करो हमारी डिमांड 1000 है, एक्चुअल डिमांड है, इनटू हमारी जो 1 माइनस अल्फ़ा हमने लिया यहाँ पे, यहाँ पे भी अल्फ़ा लेते हैं और 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे लिया, और यह हमारी फोरकास्टेड डिमांड थी। तो इसको हम कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये होता है कौन सा मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। ठीक है, ये था हमारा टाइम सीरीज़ के अंदर। तो टाइम सीरीज़ में हमने कौन कौन से किए एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। हमने किए टाइम सीरीज़ के अंदर मूविंग एवरेज, डिकम्पोजिशन, एक्सपोटेंशियल स्मूथनिंग। नेक्स्ट इज़ कॉजल मेथड, ये लास्ट है। कॉजल मेथड में हम क्या करते हैं, कॉजल मेथड में ये हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बेसिस पे। कोरिलेशन मान लो दो चीज़ों में कोई पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। ऐसे ही नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, किसी चीज़ की के साथ किसी चीज़ का नेगेटिव लिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की कम भी हो सकती है, तो उसके बेसिस पे हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं। ऐसे ही आपने रिग्रेशन किया होगा, रिग्रेशन ये वाले फॉर्मूलेज लगा के हम अपना डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनोमेट्रिक्स में हमें कुछ मॉडल्स यूज़ करते हैं। आपने जस्ट इतना लिखना है कि हम कुछ मॉडल्स यूज़ करते हैं इकोनॉमी, ये जो मैट्रिक्स है सॉरी इकोनोमेट्रिक मेथड में कुछ मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी डिमांड को फोरकास्ट कर लेते हैं। लास्ट इज इनपुट आउटपुट मेथड। इसमें क्या है कि जैसे कार है, कार की अगर सपोज करो डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज होगी, हम ये मान के चलते हैं, तो ऑब्वियसली उसके जो इनपुट पार्ट्स हैं जिसके थ्रू जैसे वो जिस चीज़ से वो बनेगी तो उसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी। तो हम आउटपुट के बेसिस पे इनपुट की डिमांड को फोरकास्ट कर लेते हैं। जैसे कार की डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इनपुट जिस चीज़ से जिसके पार्ट्स हैं कार, जो कार के पार्ट्स बनते हैं, उस चीज़ की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ये होता है इनपुट आउटपुट मेथड। एक बार हम दोबारा से सारे मेथड्स चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से मेथड्स किए हैं। ये है हमारे पास डिमांड फोरकास्टिंग। इसमें हमने किया, ये सबसे पहले हमने किया था कि ये वाले हमारे पास मेथड है एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड, एंड नेक्स्ट इज़ डेल्फी मेथड, एंड सेल्स फोर्स एस्टिमेशन मेथड, और कस्टमर इंटेंशन मेथड। ऐसे ही क्वांटिटेटिव थे टाइम सीरीज़ एंड कॉजल मेथड। टाइम सीरीज़ में हमारा मूविंग एवरेज और डिकम्पोजिशन और ये वाले थे और ये वाले थे। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को जैसे स्क्रीनशॉट ले लेना जो जो मेथड्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मैंने उतना ही कंटेंट कवर करने की कोशिश की जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। थैंक यू एवरीवन।